फ्रेंचाइज और सिनेमैटिक यूनिवर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंचाइज की। तो किसी भी मूवी की फ्रेंचाइज तब बनती है जब आप उसके एक से ज्यादा पार्ट निकालते हो। बहुत बार स्टोरी को कंटिन्यू करा जाता है, एग्जाम्पल के लिए हैरी पॉटर की फ्रेंचाइज ले लो या फिर एरा फेरी। लेकिन अगर स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करा गया फिर भी उसको फ्रेंचाइज बोला जाता है, एग्जाम्पल के लिए गोलमाल। कभी कभी तो मूवी के टाइटल में फ्रेंचाइज का नाम भी नहीं लिखते वो लोग, जेम्स बॉन्ड को ले लो। काफी ज्यादा विचित्र विचित्र तरीके के एग्जाम्पल्स मिलेंगे तुमको, लेकिन इसमें फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स कहाँ है? तो जब तुमने एक से ज्यादा फिल्म फ्रेंचाइज को लेके उनको जोड़ दिया तो वो बनते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो मार्वल का। उसके अंदर अपने को आयरन मैन की अलग फ्रेंचाइज दिखती है, आयरन मैन 1, 2, 3, थॉर की अलग फ्रेंचाइज है थॉर 1, 2, 3। और फिर अगर ये सारी फ्रेंचाइज की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिलके बनते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स। पता चल गया, पेपर में अच्छे नंबर लेके आना है।